लगा जोर से पूरी ताकत लगा क्या झगड़ लो उसको अंदर से तेज के साथ में ही पीठ में दर्द करके मार दो बोले आ? क्या बोले थे पीठ में तकलीफ करा करा के मार दो बोले अम्मास में पुन्नम में मौका देख के मार दो बोले अम्मास में क्या पुन्नम में जैसा मौका मिला वैसा मार दे बोले और जलाओ उसको कैसा नहीं मालूम उसके बाप का राज चल रहा उसको नहीं मालूम कमीने दहेज में आया नहीं मालूम बोलने को घर में की बरकत भी उड़ा दिया था कमाई की किरकिरियां भी लगा दिया था किस किस में किरकिरियां लगा रहा था अच्छा सब में और क्या क्या तकलीफ दे रहा था सही बोल काट दूंगा तुझे अगर सही नहीं बोला तो झगड़ो उसको तेज के साथ में ना लाख इसके पीठ में तकलीफ तूस दे रहा था जल्दी बोल तुझे बोले थे रिपोर्ट बताओ इधर झगड़ो उसको ना लाख को झगड़ के रखो उसको मारते रहो खूब पेट पेट में भी दे रहा था तकलीफ बोल मैं पूरा जला दूंगा ये सारे रिपोर्ट्स ये इन्हें अंदर बैठ के पेट में भी तकलीफ दे रहा था और पीठ में भी तकलीफ दे रहा था और यहाँ रिपोर्टों में क्या बता रहे हैं और यहाँ क्या मसला आ रहा देखो और वहां क्या दास्तान चल रही रियल में यहाँ सामने उसको पकड़ के लाए ना लाए मेरे सामने उन लेके आते थे आ गया सामने बयान और ये तो सब बीमारी बीमारी समझ रहे थे बीमारी बीमारी खेल रहा था उन्हें अंदर बैठ के बीमारियां खेल के बचपन में कहा खिलौने खेलते थे चूल्हों पे खाना पकाते थे सब कमियां अंदर बैठ के कमाला कर रहा लोगों के आंगों में कब से चल रहा है ट्रीटमेंट एक साल से दर्द हो रहा अजमेर तक आए थे हम अजमेर को उन्होंने इंजेक्शन दिया थे अब तो 7 दिन का मसला भी हो तकलीफ में आ गया था ये इसका भी समझ रहा हूँ उन्होंने ये दिए उन्होंने सोचे कि इससे दर्द हो रहा इस ये मेरे से राहत नहीं दी मतलब कुछ नहीं वैसी तकलीफ की तकलीफ चालू थी ये लिए जब से उनको 7 दिन का जो मसला है वो भी तो देना में था ना वो जरूर वो था नहीं वो देखे ना कि क्या घर पे नहीं कोई इलाज वाले के सामने कहीं दरगाह में कहीं ले दे तो कहीं नहीं इधर आ रहे क्या हमारा देखने का ये जो दास्तान है ये कभी ना अंदर बैठ के ये भला ये तकलीफ दे रही थी ये कंबर में दर्द कर रही थी बच्ची के कंटिन्यू और पेट में कहाँ का दर्द हो रहा था जोर से बोलो गोल गोल घूमता बोलते हाँ और पेट में घूमता और पीठ में कंबर में तकलीफा दे रहा था मगर क्या बोलते तो इलाज कर रहे थे उन्होंने दुआ पानिया भी करे दवा गोलियां भी करे मेडिकल साइंस की भी मदद लिए और दुआ पानी भी करे मगर उन्हें कहीं पकड़ में नहीं आया किसी के सामने हाजिर नहीं हुआ यहाँ कैसा पकड़ के लाए यहाँ मैं जब वक्त आता बरोबर सामने लाके पूछा था और इनका तो कितनी बार आए तुम यहाँ पे पहली बार में सामने ला लिए पकड़ के पहली बार में पूछा रहे तुम्हारी नियत अगर लड़ने की नहीं है तो तुम्हारे को पहली बार में ही नाम बता दिया जाएगा या सामने ला के बताएंगे और अगर तुम्हारी नियत लड़ने की रहेंगी फसादा करने की रहेंगी जिसका नाम निकला उसे तुम्हारे बेटा इलाज में शर्म नहीं फैलाने का इसलिए तुम्हारे को बताते नहीं फिर वक्त आने पे बताएंगे तुम्हारे जब भी इशारा मिलेगा कुदरत की तरफ से उस वक्त तुमको बताएंगे क्योंकि यहाँ पर कुदरत का निजाम चलता तुम बाहर से नियत करके आओ कि हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे दिल में पोख्ता इरादा है तो यहाँ बरोबर तुम आपके झटके में नाम बता देंगे क्योंकि मेरे हाथ में कुछ निजाम अल्लाह की तरफ से चलता और ये जो दर है ये दर है हुसैन आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला का दर है यहाँ से किसी को अल्लाह कैसा फैज दिए बगैर जाने देगा नालायकों निखट्टुओं समझो
और ये अल्लाह ने दिया निजाम है, और ये निस्बतों का सिलसिला, ये ब्लड लाइन जिसको बोलते हैं खून, ये रगों में किसका खून दौड़ रहा है, वो खून का अदब करना पड़ता, वो खून सादात सैयदों का खून है, और सैयद सिर्फ दुनिया के अंदर कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अम्मी हुजूर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयद, उनके बाद उनके दो बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन सैयद, और इमाम हसन और हुसैन से जो नस्ल चली वो सैयद, वो निस्बत, वो सैयद वो घराना है, वो उतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले रसूल औलाद अली है बोलकर ये मर्तबात ये अल्लाह ने अता किया आले बुलंद। ओरिजिनल सैयद छुपते नहीं और डुप्लीकेट चलते नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट तो लोग बहुत सारों ने ऐसे बताई भी कि नाम लगाए खुद के नामों के आगे, तो उनके घराने गर्क हो जाएंगे और हलाक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ को निस्बत, उन्होंने उनके माँ को तोहमत लगाए सैयद घराने से। कोई भी उलमा का बयान देख लो तुम, जो यही ब्लड लाइन है इसी सैयद के, जहाँ तुम नहीं लगा सकते खुद के नाम के आगे, जो है तो है, ओरिजिनल है तो है, क्योंकि अल्लाह ने दिया अल्लाह कभी, और जिसने डुप्लीकेट लगाया उसको मिटा देता अल्लाह और उसका रसूल, गर्क कर देते, हलाक कर देते, तुमको दुनिया में जीने का हक नहीं है, कमियों इतनी बड़ी तोहमत लगा दे तुम पाक बेऐब घराने के ऊपर, बोल के फिर अल्लाह तुम्हारे को अल्लाह जलाल में आता और हलाक और फना फिल्ला करने लगा देता तुम्हारे को, क्योंकि वो इतना पाक घराना है कि ज़कात हराम करार दिया अल्लाह ने उसके ऊपर, ज़कात दौलत का मैल है बोले अल्लाह है, और तुम्हारी दौलत का मैल तुम सैयदों को लाके नहीं दे सकते, हराम है उनके ऊपर वो हराम, तो फिर तुम नाम कैसा लगा सकते, डुप्लीकेट हो अकल से अंधो, तुम्हारी नस्लें गर्क कर देता फिर अल्लाह, और ओरिजिनल छुपता नहीं और डुप्लीकेट चलता नहीं, बहुत सारी बातें। खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा ये नाला हो अमल करने की तौफीक दे, और सैयदों का अदब करो, तुम्हारे ऊपर बहुत वाजिब है अदब करना, अगर ना करोगे अदब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया, ले जरा हदीसों में पढ़ो तो फिर तुमको पता चलेगा, मैं क्या मेरी जबानी बयान करूं तुमको, झगड़ो इसको नाला है कुत्ते के साथ नहीं, छोड़ो इसको कमबख्त को, तकली वादे रहा अंदर बैठ के, हाँ जल्दी बताओ मुझे कब मारने का था इसको, अम्मास में पुन्नम में कब मारने का है, मैं काट के भस्म कर दूंगा, बोला जल्दी बयान कर, क्या बोले थे, मार दो बोले बच्ची को, क्या मालूम तुझे फिर कमीने, क्यों अंदर आके बैठा उसके, क्या मालूम तुझे कब्रस्तान से पकड़े, नहीं मालूम, बोलने से पूरा जला देता हूँ, क्यों तकलीफ दे रहा था तेरी बच्ची, नहीं मालूम, नहीं मालूम, ना बोलो ना प्लीज छोड़ो, नहीं छोड़ते तेरा पकड़ा चल रहा, कौन खिलाया उसको, तुझे औरत था वो, औरत थी बच्ची को खिलाने वाला आदमी था, नहीं मालूम, शमशान से पकड़े कब्रिस्तान से पकड़े, नहीं मालूम ना, हाँ बोलो ना बोलो, कितने साल से उसके आने तुम, नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम तुझे, खाली नहीं मालूम नहीं मालूम, बोल बोला उन्हें जादू करने वैसा, हाँ करो खत जोड़ो उसको, मारो उसको नाला कुत्ते से, सताएंगा उसको दोबारा, नहीं देगा उसको तकलीफा, नहीं पेट दुखेगा, नहीं पेट दुखेगा, मियां भी झगड़े लगाएगा, नहीं कमाई की बरकत उड़ाएगा, नहीं चल तो बात कर, फिर छोड़ेगी दुनिया, जोर से कर तो बात, और तुझे एक माओ खा दे रहा तुझे, दूसरी चक्कर तक मुझे सब याद करके आगे बयान करना, और से सुन, वो बच्ची के अंदर कौन डाले थे, कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रिस्तान से, जादूगर कौन था, हिंदू था, मुसलमान था, कितने पैसे लेके जादू चलाया, बच्ची का क्या ले गए थे जादू चलाते वक्त, ससुराल की तरफ के, मायके की तरफ के, सारी दास्तान याद करके आके सुनेगा, समझ गया, चल जाओ उसको छोड़ के, सब याद करके आ दूसरे चक्कर तक, पानी दो गिलास में, पानी लो, भाग जा जल्दी, छोड़ उसको, क्या नाम है, हाँ जीनत बेगम, हाँ बन गयो, अरे जा सब याद करके, हाँ बस बस रोक दो, हाँ पूरा मत खींचो, देखो ऐसी दास्तान रहती के जादू टोना अमल अमलियात की खास बात है, तुम्हारे को मालूम नहीं होने देते हो, तुम्हारे पे जादू चल रहा, तो मेरी एक बात याद रखना, तुमको महसूस नहीं होने देते पहले स्टार्टिंग में कि तुम पे जादू चल रहा, तुम्हारे को धीरे धीरे गलाना चालू कर देते, उसके साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारे कमाई को रुकाना चालू करते, फिर किरकिरिया लगाते, फिर पूरा सड़ा के गला के तुम्हारे गल्क और गर्क और हलाक करा देते, ये है जादू टोना, जादू टोना बीमारी पे भी डालते, डायरेक्ट वार भी मारते, डायरेक्ट जान भी खींच लेते,
बहुत सारे अलग अलग किस्म के थियरीज है, अलग अलग किस्म के वार है, इतने डिफरेंसेस उसके अंदर अमलियात है, वार है, बहुत कुछ है, मगर सब के ऊपर की सबका निचोड़ सबका हल एक ही रहता, वो है कलाम इलाही की ताकत। कलाम इलाही की ताकत ऐसी दिया गया अल्लाह ने, ऐसी दास्तान है कि तुम जैसा जैसा अमल करोगे वैसा वैसा तुमको फैज मिलेगा और तुम्हारी दुनिया बनेगी, तुम्हारी आखिरत भी बनेगी। और मैं बार बार तुमको ये जो दास्तान है बताता, ये इसलिए बोलता कि तुम ये सब वबाओं से, ये बलाओं से, ये आफतों से महफूज रहो। जादू से क्या नहीं कर सकते, अमल अमलिया से क्या नहीं कर सकते बताओ मुझे। अल्लाह कुरान में फरमा देता वो लोग खराब है जो जादू सीखते और जादू सीख कर मियाबीबी में फूट डाल देते, अमल अमलिया से भी फूट डालते, जादू टोने से भी फूट डालते, गंदे अमलों में भी है और अच्छे वाले अमलों में भी, फटके मारने के लिए भी दिए वाले वार है। वो बहुत अलग अलग थियरीज है, तुमको क्या बता। और पंगा लेंगे जादूगरों से, हरकतें करोगे तो उन तुम पे तो चलेंगे, जो तो अजीब दास्तान है फिर। और तुम अगर नेक रहेंगे, इबादत गुजार रहेंगे, तो तुम्हारा दिल दिमाग किसी का बुरा करने की नहीं सोचता, और तुम किसी का बुरा करने की नहीं सोचेंगे तो वाकई में फिर तुम्हारा भी बुरा नहीं होता। कर भला तो हो भला, और दूसरे के आस्ते खड्डा खोदेगा, खुद भी खड्डे में गिरेगा। क्यों बोले अल्लाह है, इसलिए तुम अपने दिल और दिमाग में अल्लाह का नूर पैदा करो, इबादत और जिक्र अस्कार का नूर पैदा करो, तो वो नूर की बरकत से तुम ऐसे महफूज रहेंगे कि तुम पर कोई जादू भी नहीं चलेगा, कोई वबा भी नाजिल नहीं होगी, कोई आजाब इलाही भी नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, और तुम दुनिया व आखिरत भी बन जाएंगे और खबर में भी सवार जाएंगे, तुम्हारी खबर भी जन्नत के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाएगा खबर को। वरना मनमानिया करोगे तो फिर आजाब में भी गिर जाओगे, वो हड्डी के ढांचे, वो कंकाल पड़े वाले फिरौन का कंकाल तुम्हारा देखने मिल रहा होगा कि फिरौन लेटे वाला है, मगर कुरान ने तो फरमा दिया कि हम उसको तरह कई खतरनाक शदीद किस्म के आजाब में गिरे, अल्लाह ने एक से एक तरीके का आजाब उस पर नाजिल करते हैं। अल्लाह हमारा उसको रात दिन आग में डुबा रहे, निकाल रहे, अंधारों में जला रहे, झुलसा रहे, उसको बहुत तकलीफ दे रहे जिसके अंदर, क्योंकि उन्होंने दुनिया में जैसा करा वो सब हुआ तरह, जो काम पेरा उन्होंने वो वहां काट रहा उन्हें। तो तुम अगर अच्छा सुनो, तुमको तो खाली बॉडी दिख रही पड़े वाली, उसकी हड्डी का ढांचा पड़े वाला एक कंकाल, मगर वो कंकाल पे उसको कितनी मार पड़ रही रूहानी, तो क्या क्या आलम हो रहा उसके साथ में, तुम्हारा अभी थोड़ी पता हो, तुम्हारा को भी जब खबर में जाएंगे तो जब तुम्हारा भी पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक होने वाला है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार एक बात बताता कि अब तुम पहले से ही इबादत करने वाले अगर बन गए, अल्लाह और उसके रसूल के रस्सी को मजबूती से थामने वाले बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद में एक तो मेरे अहले बैत को मजबूती से थाम लो, अगर जहां मिल गए उन्होंने तुम्हारा को तो, और वो नहीं मिले तो हदीस और कुरान को थाम लो, क्योंकि तुम हदीस और कुरान का दामन अगर थाम लेंगे तो तुम्हारा को दुनिया आखिरत सबर गई। और अहले बैत अगर मेरे मिल गए, उनका भी तुम मेरे औलादों का भी बच्चे मेरे इमाम हसन हुसैन की आल तुमको कहीं दुनिया मिल गई तो उनका दामन मजबूती से थाम लो, क्योंकि दोनों दामन ऐसे कि बरोबर तुम्हारा ये अल्लाह रसूल के नजदीक ले जाते हैं। कुरान का हदीस का दामन भी थाम लेंगे तो कोई तुम्हारा दुनिया में भटकाएगा नहीं, और अहले बैत का थाम लेंगे तो फिर तुम्हारा कोई नहीं भटका सकता, 72 फिरके 73 फिरके भी तुम्हारा नहीं भटका सकते, तुम बरोबर फिर जन्नत के हकदार बने। ये सब बातें हैं, बहुत सारे राज है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, खबर के अंदर भी तो भरना है, बहुत कुछ है, मैं क्या बयान करूं। और लोग क्या बोलते हैं, हम मानते नहीं, हम जादू टोना मानते नहीं, हमने देख नहीं, अबे ना लाया हो निखट्टू हो इतना तो समझो, तुम दवा गोलियां खा रहे तुम्हारा को फर्क नहीं हो रहा, तो क्या है, क्यों नहीं हो रहा फर्क, कोई दूसरे दुनिया का वार है। तुम अगर क्या बोलते तो तुमको प्यास लगेगी और तुम खाना खाएंगे पेट भर के, बोलेंगे प्यास बुझ जा तो नहीं बुझती ना, जब तुमको अगर भूख लगी तो खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ेगा, दोनों अलग अलग पार्ट्स है, दोनों अलग अलग तुम्हारी जिस्म की प्यास और भूख जो भी जरूरत है तुम्हारी उसको पहुंचेंगे और पूरा करेंगे। और तुम अगर मनमानिया करते बैठेंगे, बोलेंगे नहीं 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 हमको प्यास लगी तो हम खाना खाएंगे पेट भर के, फिर बट नहीं बुझती तुम्हारी प्यास, तो तुम पे अगर कुछ वार चले तो तुमको अल्लाह वालों के दर जाके हटाना पड़ेगा, तुम जादूगरों के दर जाएंगे तो डबल फंस जाएंगे, घर को जाएंगे अंदर मिट के हलाक हो जाएंगे, घर को जाएंगे दलदल में फंस के निकल नहीं सकेंगे बाहर। हर चीज का एक वो रहता है, हर चीज का एक तरीका है, और हर चीज का अल्लाह ने एक स्पेशलिस्ट बिठाने वाला है, उसके पास जाना और वो चीज का हल करा के लेना। तुम मनमानिया करेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाता, दवा खानों में तुम्हारे से लाखों रुपए ले लेंगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते लाखों। पेशेंट का क्या करता डॉक्टर, डॉक्टर को पहले अल्लाह रसूल याद नहीं आता, भगवान ईश्वर भी याद नहीं आता, डॉक्टर की टीम पहले तुमसे बोल देती कि यहाँ सही मारो, हम अब भी ऑपरेशन करके जान बचा देते, अब भी दिल निकाल के दूसरा दिल बिठा देते, बोल के तुम्हारी सही ले लेते एनओसी के ऊपर, और जाके अंदर तैयारियां करते, कुटुंब काटिया करते, पैसे भर देते तुम काउंटर पे, और बाद में उन्हें आके बोलते आई एम सॉरी,
हमारे हाथ में नहीं था, बचा नहीं हो, मर गया, वो ईश्वर के हाथ में था, ईश्वर ने उसकी जान उत्तित लिखा था, मर गया। अब जो भी है अल्लाह करेगा, अल्लाह की मर्जी, आखिरी सांस चल रही उसके, अब दो घंटे में मरने वाला, किसी को ऐसा बोलते किसी को ऐसा बोल देते। फिर उनको कभी याद आता अल्लाह रसूल ईश्वर खुदा भगवान, कभी याद आता उनको जब उन्होंने जब पैसा काउंटर पे तुम भर देते, भरने के बाद उन तुम्हारा चीर फाड़ करके टुकड़े सी के रिटर्न आते, जब उन्होंने बोलते कि आई एम सॉरी, हम क्या करेंगे, हम क्या भगवान है क्या, जब भगवान है आपका, हम क्या भगवान है क्या, हम क्या अल्लाह है क्या, हम क्या ईश्वर है क्या, जान नहीं बचाए, हमने नहीं बची, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करें नहीं बची, आया ना याद, आया ना समझ में, तो उनकी जहां तक लिमिट रहती वहां तक ही जो तुमको राइट करने की कोशिश करेंगे, जहां उनकी लिमिट खत्म हो जाती वहां घुटने टेक के उनका अल्लाह ईश्वर भगवान फिर ये सब चीजें याद आते। तो इसलिए अकल के अंदर तुम भी तो समझो, जहां दवा गोलियां खा रहे बार बार और राइट नहीं हो रहे, तो वहां दूसरी दुनिया का वार है, उसको जाके उसके तरीके से उसकी थ्योरी से राइट करना पड़ेगा। और डुप्लीकेटों के पास मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते, बच्ची कुची भी सब खा लेते तुम्हारा, सब गर्क करके हलाक कर देते तुम्हारे बाद में, पैसा भी खा के सब। इसलिए वहां से फैज मिलता, फैज अल्लाह वालों के दर से मिलता, और तुमको अगर अल्लाह वालों के दर नहीं मिल रहे तो तुम इबादत करो, रस्सी, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान हदीस इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, तुम्हारे जबान में खुद अल्लाह तासीर दे दे। तो इसलिए मैं क्या कहूँ तुम लोगों को, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। देखो अभी तुम्हारे सामने मैंने प्रैक्टिकल में पूछा आया, दवा गोलियां खा रहे थे, सब खा रहे थे, हुआ हाजिर नहीं, लाया है मैंने सामने पकड़ के बताया, अब और भी आगे तफसील में खुलासा करूंगा, मगर उसको उसके तरीके से काटना पड़ता, खत्म करना पड़ता। जा रे बोले तो जाने वाला किस्म का नहीं रहता हो, उसमें भी अलग अलग किस्म रहते, जा बोले इतने से पहले भी चले जाने वाले रहते, वो खुद ब खुद लगे आले, और लगाए वालों को उसके तरीकों से काट के पसंद करना पड़ता। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, चलो रखता हूँ, सवाल जवाब खुशी वाली याद है, कुछ भी नहीं, क्या नाम है आपका? अच्छा देखो, पेशेंट को 100% जब हाजिरी आती है उसको कुछ याद नहीं रहता, क्या हुआ क्या नहीं उसके साथ, उसको कुछ नहीं मालूम। और किसी किसी का दिमाग पकड़ के 50% भी बात करता हो, 50% करा तो दिमाग पकड़ के बात करता, मगर पेशेंट को भी कुछ समझ आता। बहुत सारों को ऐसा रहता कि 100% भूल, उसको कुछ याद नहीं रहता पेशेंट को। अभी ये पेशेंट को भी कुछ याद नहीं, इनको कुछ याद है क्या? जबान से बोलो, क्या हुआ यहाँ अंदर? कुछ भी नहीं। मैं इसलिए मैं बोलता कि अकेले पेशेंट को अलाउ नहीं करता, मैं क्यों नहीं करता मालूम, या ऐसा रहता पेशेंट कुछ याद नहीं रहता, बाद में पानी मार के होश में लाके पूछते। तो इसलिए एक घर का भी मेंबर रहना साथ में, बाप कोई बेटा कोई भी ऐसा बैठे वाला देखने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं। और वीडियो, जो वीडियो का दौर नहीं था ना, जब क्या होता था मालूम क्या मेरे पास में, जब बचपन में इलाज को आते थे लोग, जिसका भी शैतान हम निकालते थे, तो वो लोग क्या बोलते थे, हमारे आंख में आया नहीं, क्योंकि आज भी तो वो बोलते ना, जब वीडियो देखते तो मानते। खैर क्या बोलूं मैं तुमको, बहुत सारे राज है, बहुत सारे दास्तान है, अल्लाह पर अमल करने की तौफीक अता कर फरमाए। सब इबादत, नमाज और कुरान और हदीस, ये चीजों का मामूल बनाओ। नमाज 5 टाइम की पढ़ो, असर पढ़ेंगे तो जोहर पढ़ना दिल बोलता, फजर पढ़े तो जोहर पढ़ना दिल बोलता, जोहर पढ़े तो असर पढ़ना दिल बोलता, असर पढ़े तो मगरिब पढ़ना दिल बोलता, मगरिब पढ़े तो ईशा पढ़ना दिल बोलता। इसलिए तुम बार बार इबादत की राहों को मजबूती से थामो, पढ़ने का मामूल तो बनाओ, जाओ तो सही, जानिमाज बिछाओ तो सही, अल्लाह के सामने बैठो तो सही, मांगो तो सही, और देखो तो सही कितना बड़ा रहमान और रहीम है, क्या नहीं अता करेगा तुमको। तुम मांगे तो देगा ना, तुम्हारे बुजुर्गों को क्या नहीं दिया था अल्लाह ने, मांगे तो हर चीज दिया ना। मांगो, मांगो उसी से जो देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से, वो जात है अल्लाह की। और बाकी तुम किसी के दर पे अगर मांगने गए ना, तो लोग 1 से 2 बार तुमको उधार देंगे, और दूसरी बार से देख के बोलेंगे भिखारी आ गया, भीख मांगने मेरे पास उधार, ऐसा बोलती दुनिया इतनी खराब। और बदमाश है, मेरे रब के पास जाओ मांगने, मेरा अल्लाह ऐसा है, तुमको बार बार अता करेगा, मेरा अल्लाह खुश होकर अता करेगा, तुम जितने बार मांगने गए उतने बार खुश होकर अता करता रब्बुल आलमीन के, मेरे बारगाह में बंदा मेरा मांगने आ, अता करो इसको। और तुम्हारा बाप भाई भतीजा किसके भी दर पे जाओ, तुम्हारा भिखारी बोलता हूँ मैं तीसरी बार में, मेरा रब खुश होता बार बार, तुम बता, तुम इतने नाशुक्र बंदे हैं मेरे रब के, मगर फिर भी मेरा रब तुम पर फजल करता बार बार, तुम पर रहमान और रहीम है, अता करता जाता तुमको। ये नहीं सोचता तूने नमाज नहीं पढ़ा चल मैं तुझे नहीं दूंगा, तूने कुरान नहीं पढ़ा चल मैं तुझे नहीं दूंगा, तूने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा चल, ऐसा नहीं, अल्लाह तुमको अता करता बार बार, खुश होकर अता करता। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो।